अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.3 के प्रूव लिमिट स्टेटमेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको उसका जो है ना वो टाइटल शो हो रहा होगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी सुनिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमें उसने एक पीस वाइज फंक्शन दिया है जिसमें हमारे पास एक 4 - 2x और x इसमें जो है ना वो लेस देन 1 है और 6x - 4x > 1 है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो है ना वो इसको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ कि इसको हमने जो है ना वो सॉल्व किस तरह से करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो x को अप्रोच करते हैं, ये हमारे पास c, इसको c लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन 2 इसमें फंक्शन हम इसने दिए हुए हैं। एक दफ़ा हम लोग 4 - 2x का फंक्शन लेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम जो है ना वो 6x - 4 का फंक्शन लेंगे। इन दोनों का हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर्स 2। उसके बाद हम जो दूसरी कंडीशन है x - c का मॉड लेस देन डेल्टा वो लगाएंगे। उसके बाद हम जो है ना वो अलहदा से यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की जो है वो वैल्यूज निकल आएंगी। चलिए हम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास ने दिए हो भाई 4 - 2x और यहाँ पे सी हमारे पास यहाँ पे 1 है और इसके बाद हमारे पास एल इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें भाई स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास होता है भाई एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करें, फंक्शन हमारे पास है 4 - 2x तो ये आ जाएगा भाई 4 - 2x - l - 2 इसका मॉड लेस देन यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन। उसके बाद देखें भाई 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 - 2x इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एक दफ़ा माइनस का एप्सिलॉन लेस देन 2 - 2x - एप्सिलॉन। उसके बाद यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे हमने 2 यहाँ से ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 2 को करवा देंगे माइनस, तो ये बच जाएगा भाई -2 - εlan - 2x - εlan - 2। उसके बाद यहाँ पे एक्स के साथ 2 है तो हम लोग अगर दोनों तरफ जो है ना वो 2 से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ से 2 भी खत्म हो जाएगा। तो देखें भाई, यहाँ पे क्या होगा भाई, -2/2 - εlan/2 लेस देन, यहाँ पे 2 कैंसिल, ये माइनस एक्स बच गया तो यहाँ पे बचा εlan/2 - 2/2 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद ये 2 से कैंसिल तो ये बच गया भाई -1 - εlan/2 - εx - εlan/2 - 1। उसके बाद देखें भाई, यहाँ पे माइनस एक्स है तो हमने यहाँ से माइनस खत्म करना है तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ -1 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बच जाएगा भाई 1 + εlan/2 > x > यहाँ भी बन जाएगा -εlan/2 + 1 - εlan/2 + 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें हमें दोबारा इसको जो है ना वो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमारे पास साइन दोबारा चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई, इसको ज़रा तरतीब से पहले 1 लिख लेते हैं 1 - εlan/2 फिर लेस देन एक्स फिर लेस देन ये इधर लिख लेते हैं 1 + εlan/2। अब देखें भाई, पहले हम लोग ये करते थे इसको हम जो है ना वो 1 का नाम देते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई 4 - 2x जब आपने फंक्शन लेना है तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स लेस देन 1 है। तो x लेस देन 1 का क्या मतलब है भाई, अभी बता देते हैं आपको। यहाँ पे आप लोग रियल लाइन जो है ना वो एक ड्रा करके आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो 1 है, तो कहते हैं x जो है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से लेस है, तो 1 से यहाँ से लेस कर देते हैं, ये वाली साइड आ जाएगी लेफ्ट साइड, यानी कि इसमें जो है ना वो x की माइनस वाली साइड आएगी, पॉजिटिव साइड हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इस इनक्वालिटी में भी हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ ये राइट साइड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कंडीशन दी है कि x 1 से लेस देन है, तो इस साइड पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस की है वो लेनी है, ये वाली नहीं लेनी।
तो ये हमारे पास फिर क्या बनेगी, 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन एक्स लेस देन ये 0 आ जाएगा, तो इसको 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 1 जो ना बीबी हमारे पास कंटिन्यू है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास कंटिन्यू किस तरह से है कि अभी हमने जो ना वो ये वाला फंक्शन लिया था 4 माइनस 2x, अब हमने ये वाला फंक्शन लेना है 6x माइनस 4। तो 6x माइनस 4 कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम फंक्शन क्या पुट करेंगे, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 एल हमें हमने 2 लिया हुआ, तो ये बन जाएगा माइनस 2 इसका मॉड लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो माइनस 4 माइनस 6 ये बन जाएगा 6x माइनस 6 का मॉड लेस देन आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन। उसके बाद देखें भाई, एक दफ़ा माइनस का एप्सिलॉन, एक दफ़ा प्लस, माइनस एप्सिलॉन लेस देन 6x माइनस 6 लेस देन एक दफ़ा प्लस का एप्सिलॉन। तो 6 को दोनों तरफ प्लस करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा भाई 6 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 6x लेस देन एप्सिलॉन प्लस 6 आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम 6 से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे फिर x बच जाएगा, तो 6 से डिवाइड करवाएं तो यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करवाएंगे, ये बचेगा 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 6 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन ओवर 6 प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा। अब देखें भाई, यहाँ पे भी कंडीशन देखें कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हम रियल लाइन पे ड्रा करके फिर अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ से कौन सी वैल्यू हमने लेनी है, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए भाई, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं जी। जी सुनिए, यहाँ पे आप लोग अगर रियल लाइन ड्रा करते हैं तो रियल लाइन ड्रा करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास 1 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिख सकते हैं कि 0 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन ओवर 6 प्लस 1, इसको 2 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 जो कंटिन्यू था, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हमने स्टेप नंबर 2 की बात करनी है। तो स्टेप नंबर 2 आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है भाई x माइनस c इसका एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि हमारे पास 1 है, तो x माइनस 1 इसका मॉड लेस देन डेल्टा, एक दफ़ा माइनस का डेल्टा लेस देन x माइनस 1 एक दफ़ा प्लस का डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद देखें भाई, माइनस 1 दोनों तरफ प्लस करवा देंगे, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से माइनस 1 भी खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 1 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा प्लस 1, इसको 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास 1 थी, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। अब हमने जो है ना वो क्या करना है भाई, अब पहले 1 और 3 को कंपेयर करवाना है। जब 1 और 3 को कंपेयर करवाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है भाई, 1 2 और 3 को कंपेयर करवाना है। पहले 1 और 3 को, फिर 2 और 3 को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें भाई क्या होगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 3 और क्या होगा उसके साथ, कंपेयरिंग 2 एंड 3, यानी कि 1 और 3 और 2 और 3 को करवाएंगे कंपेयर इकट्ठा। तो किस तरह कंपेयर करवाएंगे भाई, यहां पे हम कंपेयर करवा के देख लेते हैं कैसे करवाते हैं कंपेयर इनको। तो स्टूडेंट को हमने इस तरह से कंपेयर करवाना है कि जो 1 की जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करवानी है, और इसकी जो है ना वो इसकी 2 की जो राइट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करवाना है। यानी कि ये देखिए इनइक्वालिटी नंबर 3 की, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2, और इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेल्टा प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा डेल्टा प्लस 1। और इक्वेशन नंबर 2 की हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, एप्सिलॉन ओवर 6 प्लस 1, एप्सिलॉन ओवर 6 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जाना वो इजीली अब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये देखें भाई, यहाँ 1 1 से कैंसिल, तो ये आ गया माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर 2, माइनस माइनस से कैंसिल तो डेल्टा आ गया भाई एप्सिलॉन ओवर 2, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आई है एप्सिलॉन ओवर 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 1 से कैंसिल तो डेल्टा आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें भाई डेल्टा की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो साफ नजर आ रहा है भाई डेल्टा की स्मॉल वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 6 है। तो फिर हम जो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10
डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 6। यही था हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन है बिल्कुल सेम है, इजी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का फाइनल आंसर। उसके बाद आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 की भी बिल्कुल वैसे है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर फंक्शन आपके पास 2x हो, कंडीशन x लेस देन जीरो, और दूसरा फंक्शन है भाई x बटा 2, x ग्रेटर है इक्वल टू जीरो। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 था वैसे ये है। यहाँ पे देखे भी हमारे पास सबसे पहले फंक्शन हमारे पास है भाई 2x, और हमारे पास c की वैल्यू जीरो है, हमारे पास l की वैल्यू, ये हमारे पास l की वैल्यू भी जीरो है। उसके बाद देखें भाई हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, हम स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए भाई यहाँ पे फंक्शन की जगह पे हम जो है ना वो सबसे पहले 2x को अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस एल माइनस हमारे पास 0, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2x बन जाएगा 2x इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, एक दफा माइनस का एप्सिलॉन लेस देन 2x लेस देन एक दफा प्लस का एप्सिलॉन। x के साथ 2 है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा भाई माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे कंडीशन है कि x लेस देन 0, तो रियल लाइन लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0, तो कहता है कि x लेस देन 0 हमने लेना, यानी कि 0 से लेस, 0 से पीछे। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट, यहाँ पे जो है ना वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, 0 होगा। तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन x लेस देन 0, इसको 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह जो है ना वो हम जो है ना स्टेप नंबर 1 को कंटिन्यू रखते हुए, मजीद स्टेप नंबर 1 को कंटिन्यू रखते हुए क्या करेंगे हम जो है ना वो अब इस फंक्शन की बात करते हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास क्या है भाई, इस फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसका एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन। तो वैल्यू पुट कर दे, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है एक्स बटा 2, तो यहाँ पे पुट करें एक्स ओवर 2 माइनस 0 इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो ये बात जाएगा भाई एक्स ओवर 2 इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, एक दफा माइनस का एप्सिलॉन लेस देन एक्स ओवर 2 लेस देन एक दफा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 को दोनों तरफ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फिर यहां से खत्म होगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन 2 एप्सिलॉन। यहां पे कंडीशन ये है भाई एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रियल लाइन लगा के चेक कर लेते हैं भाई, रियल लाइन के क्या कहता है भाई, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है। तो राइट साइड पॉजिटिव की तरफ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, इस साइड पे नेगेटिव की तरफ लिमिट एग्जिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 एप्सिलॉन, इसको 2 का नाम दे देंगे। अब बारी आती है भाई स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 की डेफिनेशन क्या है, स्टेप नंबर 2 की डेफिनेशन है भाई एक्स माइनस सी का मॉड जो कि लेस देन डेल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सी हमारे पास 0 है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 0 एक्स ही होगा, एक्स का मॉड लेस देन डेल्टा, एक दफा आ जाएगा माइनस का डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन प्लस का डेल्टा, इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इसी तरह करें जिस तरह हम जन्म पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पहले 1 और 3 को कंपेयर या फिर 2 और 3 को कंपेयर करना है, ठीक है भाई। और 1 की लेफ्ट हैंड साइड 3 की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रखनी है, 2 की राइट हैंड साइड 3 की राइट हैंड साइड के बराबर रखनी है, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखें भाई, यहां पर हम लोग जो है ना इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास जो है ना वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखें भाई, इसको यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। तो हमने, मैंने आपको क्या बताया भाई, हम लोगों ने क्या करना है भाई, कंपेयर करना है 1 और 3 को, और या फिर कंपेयर करना है भाई 2 और 3 को। 1 और 3 और 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो 1 कहाँ पे गई है भाई, 1 मेरे ख्याल यहाँ पे थी, मैंने 1 को मिटा दिया। चले 1 दोबारा यहाँ से मैंने नोट किया हुआ क्वेश्चन, 1 क्या थी भाई, माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा। अच्छा जी, 1 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। तो क्या हो गया भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 की माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर 2, और राइट हैंड साइड है डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 की राइट हैंड साइड है 2 एप्सिलॉन। अच्छा जी, अब देखिए भाई यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल दिया आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2, डेल्टा की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन ओवर 2, और डेल्टा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 एप्सिलॉन।
अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो, ये समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन नंबर वन को जहन में रखें। मैंने आपको क्या बताया दोबारा सुन लें जरा, मुझे पता है जो है ना वो कुछ लोगों को समझ शायद नहीं आई होगी, दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, मैंने ये बताया कि पहले कंपेयर करना है वन और थ्री को। वन जो मैंने यहाँ पे लिखी, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन मैंने लिखी हुई थी माइनस एप्सिलॉन ओवर टू लेस देन एक्स लेस देन जीरो, ये थी हमारे पास वन। हाँ जी, तो मैंने ये बताया कि जब वन और थ्री को कंपेयर करना है तो थ्री की लेफ्ट हैंड साइड और वन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर रखनी है। तो ये मैंने क्या किया, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर टू। और जब टू और थ्री को कंपेयर करवाना है तो टू की और थ्री की राइट हैंड साइड लेनी है। थ्री की राइट हैंड साइड क्या है, डेल्टा। टू की राइट हैंड साइड क्या है, टू एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन लिया तो ये हमारे पास आ गया। यहां से डेल्टा की वैल्यू निकाली एप्सिलॉन ओवर टू, यहां से निकाली टू एप्सिलॉन। तो यहां पे जो है ना वो ये बात क्लियर है कि हमारे पास यहां पे डेल्टा की वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू वो क्या होगी, एप्सिलॉन ओवर टू। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट, यही जो है ना वो आज के लिए हमारे लेक्चर का जो है ना वो फाइनल आंसर था। वीडियोस जो है ना वो बनाना, वीडियोस को अपलोड करने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।